हेलो एंड वेलकम टू इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट पोटैटो की खीर, जो कि न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ बहुत टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध लेंगे, इसे हमें बॉयल कर लेना है। इसे बीच में चलाते रहें ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। दूध बॉयल हो गया है, अब हम फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे स्वीट पोटैटो। तो यहाँ मैंने आधा किलो स्वीट पोटैटो लिए हैं, जिनको बॉईल कर मैश कर लिया है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। इसे मैंने सिंपली बस कुकर में थोड़ा पानी डालकर बॉईल कर लिया है मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं और इसे हमें दूध में मिक्स कर लेना है। थोड़ी ही देर में ये दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो हमें जो अलग पीसेस दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। इसी दौरान हम इसमें 2 इलायची क्रश कर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे हम तब तक पकाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। तो हमें इसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं, तभी ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो जितना ज़्यादा पकेगी ये उतना ज़्यादा टेस्टी होगी। तो इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। फ्लेम को लो मीडियम रखें। स्वीट पोटैटो के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसे आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें अगर आप नहीं खाते हैं तो, और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखें काफ़ी थिक होने लगा है, इसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है। देखें ये थिकनेस इसकी हो गई है थोड़ी बहुत। तो हम इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लें ड्राई फ्रूट्स की। ये मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। इसे हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाएगा। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट भी डाल रही हूँ, आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं 3/4 कप चीनी ले रही हूँ और इसे इसमें मिक्स कर देंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे लो मीडियम पर ही रखें, चीनी को अच्छे से मिक्स कर दें। इस पॉइंट पर आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको चीनी कम लगे तो आप डाल सकते हैं। ये चीनी बिल्कुल ठीक है इसमें, तो अब मैं और नहीं डाल रही हूँ। इसे बस हमें चलाते हुए पका लेना है 5 से 6 मिनट के लिए। देखिए 5 से 6 मिनट ये पक चुकी है, थिक भी हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। बस ठंडा हो जाने के बाद आप इसे सर्व करें और मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।